गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहां के वार्डों में दर्जनों गैस सिलेंडर रखे जा रहे हैं। दरअसल यहां भर्ती मरीजों के परिजन खाना बनाने के लिए घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अस्पताल परिसर में ही मरीजों के लिए खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद गैस सिलेंडरों को अस्पताल के वार्ड में ही रखा जा रहा है। वहीं मरीज के परिजनों के मुताबिक अस्पताल में व्यवस्था न होने से गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुमार सर, अभी तो मगध मेडिकल कॉलेज में सर वाइफ भर्ती है, उसको बड़ा ऑपरेशन से बची हुआ है। अच्छा सर, रोगी लोग के खींची रुचि बनाने के लिए गर्म पानी देने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। होटल में जाते हैं तो वहाँ नहीं देता है, देवे नहीं करता है। तो कोचिंग पर बना रहा है, गैस पर बना, गैस बनाओ क्या बनाएगा सर। 3 तारीख की भर्ती हुई थी, वो दिन से नहीं, कल लाए गर्म पानी कोई नहीं दे रहा था। डॉक्टर बोला कि मरीज को खिचड़ी गला के देना है, तो उसके लिए व्यवस्था चाहिए ना। तो होटल में खिचड़ी कोई बना के देगा नहीं, तो कहाँ से दे। गर्म पानी पीने के लिए डॉक्टर बोल रहा है, तो होटल में कर ही नहीं रहा है। भर्ती बंद लगा हुआ है, तो सर उसको भी व्यवस्था तो यहाँ देना चाहिए ना हॉस्पिटल में। जब व्यवस्था रहता तो सर हम लोग क्यों इसको यूज करते। इस मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हरीश चंद्र हरी ने कहा कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, इस तरह का घरेलू गैस सिलेंडर वार्ड में रखना गैर कानूनी है। तो अग्निशामक यंत्र लगा हुआ है, जितना भी है उसमें, उसके बाद हम लोग बुलाएंगे अग्निशामक। नहीं, दम नहीं रखना है, और वार्ड में कुछ बनना ही नहीं है, सिलेंडर का यूज करना ही नहीं है, हमारे संज्ञान में तो नहीं है। नहीं तो मरीज को तो अंदर से खाना बनाने का कोई परमिशन ही नहीं है, यहाँ तो नहीं है हमारे ख्याल से, या हमको संज्ञान में नहीं आया है, या हम दिखा नहीं। हालांकि इन सभी चीजों पर निगरानी रखने के लिए सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद मरीज के परिजन बेड के बगल में गैस सिलेंडरों को रख रहे हैं और बेखौफ होकर अस्पताल परिसर में सुबह शाम खाना बना रहे हैं, जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। फिलहाल अस्पताल अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अस्पताल कर्मचारियों को गैस टंकी हटाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत कुमार की रिपोर्ट।